और विश यू ऑल हैप्पी वर्ल्ड टूरिज्म डे। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है 27 सितंबर। और लेमन सोडा भाई पी लो। अखिल भाई गुड मॉर्निंग भाई लोगों, क्या हाल चाल है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए, फुल पावर एंजॉय लेते रहो, है ना? लाइफ है, लाइफ को जियो। और विश यू ऑल हैप्पी वर्ल्ड टूरिज्म डे। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है 27 सितंबर। और इस टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबके लिए ग्रोथ है और सबके साथ है, सबका विकास है, सही है? तो ये है टूरिज्म डे, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म को बढ़ावा दो और नई नई जगह एक्सप्लोर करो। उत्तराखंड आके है, मैं उत्तराखंड का वासी हूँ तो मैं उत्तराखंड को ही प्रमोट करूँगा। उत्तराखंड आके नई नई जगह को एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दो, क्योंकि आपको बहुत बार बताया है कि रूरल टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड पीपल्स टू सर्वाइव रूरल प्लेसेस। तो ऐसी बातें भाई जो होता है, रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा दूंगा क्योंकि रूरल टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में उत्तराखंड के लिए। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो उत्तराखंड वासीज है, उत्तराखंड वासी समझ के उत्तराखंड के जो नागरिक है जो रूरल प्लेस में रहते हैं, वो आज की डेट में पलायन कर रहे हैं बिकॉज कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ना स्कूल्स है, ना हॉस्पिटल्स है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो उनको सुविधा नहीं मिल रही, उस कारण वो दिल्ली रामनगर, चल रामनगर भी एक तरह से उत्तराखंड में ही हो गया, दिल्ली मुंबई भारत की तरफ कूच कर रहे हैं और अपने पहाड़ का, अपनी संस्कृति, भव्य संस्कृति, कल्चर, अपने नॉर्म्स बिलीव्स भूलते जा रहे। तो इसके लिए सस्टेन करने के लिए आप लोगों को, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब रूरल प्लेस में जब जाएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर सरकार भी ध्यान देगी कि हाँ कि लोग जा रहे हैं, वहाँ की रोडें, वहाँ की स्कूल्स, वहाँ के हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट होगा, वहाँ की एक्सेसिबिलिटीज़ रोड बनेंगी बढ़िया। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा हम इंडियन वासी को और बाहर के लोगों को बताना पड़ेगा। ऐसे ट्रैवल एजेंसी होनी चाहिए जो रूरल टूरिज्म का पैकेज बनाए, है ना? और सरकार भी कर सकती है, उत्तराखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन बोर्ड जो उत्तराखंड टूरिज्म को देखती है सरकार, गवर्नमेंट, वो भी अपने ऐसे थीम निकाल सकती है कि जो रूरल टूरिज्म सारे गांवों को एक कनेक्ट करके एक पैकेज बना दो, चाहे वो एक महीने का हो। कोई तो ऐसा बंदा होगा जो पसंद करेगा, और मुझे इतना पता है कि ये थीम ये बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि रूरल टूरिज्म बाहर के फॉरनर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि यार दिल्ली पिल्ली तो मैंने देखा ही है यार, दिल्ली पिल्ली तो बिल्डिंग है, उनसे अच्छी अच्छी बिल्डिंग है उनके वहाँ है, उन जो असली चीज़ देखने आते कल्चर, कल्चर का थीम बना के, रूरल टूरिज्म का थीम बना के हम रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ होगी। तो वो भी प्लान नहीं करेंगे, लोग खुद ही जाएंगे वहाँ ऊपर, है ना? तो ये है सिस्टम। अब देखो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करना इस बात को, क्योंकि ये बातें बहुत हार्ड बातें हैं, बहुत डीपली बातें, आप लोग समझोगे नहीं, जो समझदार हो वो बिल्कुल समझ जाए क्या बात है, ये बहुत डीप बात है। तो इसके लिए आप शेयर कर दिया करो और पूरी देखा करो, क्योंकि ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, ये मजाक वाली बातें नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वायरल हूँ, मैं वायरल भी उन्हें नहीं होना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड वासी जो रूरल प्लेसेस में, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी निकाले अपने पहाड़ों में,
खूबसूरत ब्यूटीफुल वैलीज़ में, ब्यूटीफुल वादियों में, ब्यूटीफुल ईयर्स में, शुद्ध ईयर्स ईयर में अपनी ज़िंदगी व्यक्त करें। क्योंकि बाहर जाके तो दिल्ली ऐसी ऐसी जगह जाके तो भैया वही हो जाता, सांस का बीमारी, बंदा 100 साल जिएगा तो वहाँ भाई 60 में ही टपक जाएगा। तो ये है सिस्टम। चलो ठीक है, टूरिज़्म को बढ़ावा दो, हैप्पी वर्ल्ड टूरिज़्म डे सबको भाई लोगों को, घूमो फिरो, इन्जॉय करते रहो, कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, मेरी क्लास शुरू हो चुकी है, टाइम हो चुका है 9:24, क्लास कंटिन्यू करने के लिए बोला है पर भाई लोगों के साथ मैं ज़्यादा बिजी हो गया। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, फिर मिलता हूँ मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के साथ। मैं जा रहा हूँ रामनगर, ये उस दिन अखबार वाला काम था जिसके लिए मैं भटक रहा था, जो काम हो नहीं रहा था वो हो गया, पापा के लिए भेज रहा हूँ फुल पावर, और बस जाता हूँ अभी रामनगर स्पीड पोस्ट करवाता हूँ, उसका मामला करवाता हूँ मैं रफा दफा। और चलो ठीक है फिर, लेमन सोडा भाई पी लो अखिल भाई। भैया क्या हाल चाल है, सब बढ़िया? बस यार रामनगर से आए थे, स्पीड पोस्ट करवाने जा रहा था पर सिस्टम हो गया, अखबार में जो न्यूज़पेपर में जो काम करवाया था वो गलत हो गया, आज फिर छपवाना पड़ा, यही हो गया, मूड ख़राब हो गया। बस कोई दिक्कत नहीं है, कल करवा देंगे, है ना, कल करवा दूंगा स्पीड पोस्ट। यही था दिन में, आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे था, आपको पता ही है सब लोगों को, 27 सितंबर है आज। तो बस यही था आज, काम और क्लासेस चली और तो कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ठस ठस माहौल था, बस मूड ख़राब हो गया था कि सुबह डांट खानी है पापा से, करवा दिया गलत काम। चलो कोई नहीं, कल फिर से हो जाएगा, फिर कर देंगे स्पीड पोस्ट सीधे मणिपुर, कोई लोड ही नहीं है ना, तो मौज ले लो नहीं तो खोज लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं मिलता हूँ, भोजन वोजन करता हूँ, अभी टाइम हो गया समय 8:55 और बस बढ़िया चल रहा है, माहौल बढ़िया चल रहा है एकदम। चलो फिर मिलता हूँ ना भोजन वोजन करने के बाद, एंड करते हैं फिर आज का दिन, आज रात को ही कर दूंगा एडिट, सुबह उठ के करना पड़ता है, रात को ही कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ। ओके फिर, तो ये भोजन वोजन हो गया बढ़िया करके फुल पावर, रोटियां वोटियाँ पील दी हैं, काफ़ी के बढ़िया साइड हो गई, छत में आया हूँ, बढ़िया हवा चल रही है। बस आज के दिन आपको पता ही है क्या क्या हुआ, पहले क्लास वलास लगाई, फिर रामनगर गया पहले ही पता चल गया था कि कागज़ हो गए ख़राब और सिस्टम हो गया ख़राब, तो स्पीड पोस्ट नहीं कर सकता, तो बस ऐसे ही उस कागज़ को ठीक करवाया, न्यूज़पेपर में 2 बार छपवाया, 1200 रुपये का चूना लग गया है, कोई नहीं होता है ना, अब नहीं होगा तो कब होगा, है ना, तो यही है। तो अच्छा रहा दिन, बढ़िया रहा आज का दिन, ठस ठस मस्त एकदम। तो भाई अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और ऑल पे क्लिक करके घंटी बटन दबा देना, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ, ओनली फैमिली के साथ भी कर दिया करो, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फैमिली को पसंद नहीं आते बट कर दिया करो, कोई लोड नहीं है, और इन्जॉय करते रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, खुशियाँ बांटते रहो, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर महाराज।